हाय गाइस वेलकम बैक एनिमल डे नंबर कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर साथ साथ में कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं एनिमल को लेकर और यू नो टोटल जो कलेक्शंस है कहां तक पहुंचे सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में वीडियो में जरूर देख लेना चैनल को कर लो सब्सक्राइब सबसे पहले जरा फोटो देखो ये वाली जब भी मैं एनिमल के बारे में बात करती हूँ तो एक ब्लड ब्लड शेड वाली जो है बिल्कुल खून से लतपत वाली जो है फोटो हम लोग देखते हैं जो की सोशल मीडिया पर चल रही है लेकिन ये फोटो ये बेसिकली हम सबको पता है अब तो सबको पता है कि ये लास्ट सीन वाला जो है लुक है रणबीर कपूर का एंड आज मैं सुबह ही आपसे बात कर रही थी कि एक डायरेक्टर की कितनी परफेक्शन हो सकती है कितनी यू you नो know, हर चीज में क्या दिमाग लगाया गया है इसमें मैं संदीप रेड्डी वांगा को की बात कर रही हूं द वे ही हैज डायरेक्टेड दिस फिल्म इज अनबिलीवेबल लुक एट द परफेक्शन अभी इस पर्टिकुलर पिक्चर में आपको एक चीज जो uh, बिल्कुल डिफरेंट लग रही है वो क्या है अब अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे अफकोर्स बाल छोटे हैं कानों में बाली पहनी हुई है इसमें लेकिन इस वाले लुक में बहुत इंपॉर्टेंट एक जो अटेंशन टू डिटेल वाली चीज है वो है एक क्रुप्ड टूथ है एक दांत है रणबीर कपूर का जो क्रुप्ड है और वो हम सबको पता है वो क्यों होता है इतना ज्यादा एक्शन एवरीथिंग मतलब यार हमने देखा है जस्ट उससे पहले वाले कुछ सीन्स में देखा था कि पूरी बुरी तरीके से घायल हो गया था कैरेक्टर आंख सूज जाती है खून ही खून निकला हुआ है यू नो ही इज इन अ वेरी बैड शेप बॉडी पूरी की पूरी खराब हो चुकी है लेकिन जब उसको हमने दोबारा अब देखा है इस मतलब आगे जो हम देखते हैं आगे चल के द द वे वे संदीप दीप रेडी वागा ब्रेन इन टू दैट कैरेक्टर एंड हिज लुक्स की वो ऐसा दिखेगा अब अब उसको ऐसा दिखना चाहिए अब उसका जो है दांत थोड़ा सा क्रुक हो चुका है और ये जो इविलिश स्माइल है ये उसी इसीलिए आ रही है हमने इससे पहले शायद रणबीर कपूर की ऐसी वाली यू नो प्रोफाइल नहीं देखी है

फ्टर सच ए लॉन्ग टाइम कोई फिल्म एक ऐसी जिसकी कहानी बहुत ओरिजिनल है आपने किसी ने अगर इस बात पर ध्यान दिया हो वट एवर बींग सेड एंड डन ऑन सोशल मीडिया क्या भी, जो भी बातें चल रही है भाई मिजोजनी भाई यू नो वायलेंस इतना गोर ये तो मर्डर है ये तो एनिमल ही है कैरेक्टर भाई ये कैरेक्टर ही है एनिमल तो एक एनिमल ही होगा ठीक है सब कुछ है लेकिन जो कहानी है इस फिल्म की ये कहानी एक बेसिक टेम्पलेट है बाप बेटे का बेसिक टेम्पलेट हमने कितनी फिल्में देखी हैं बाप बेटे का की रंजिशों वाली बाप बेटे की यू you नो know, एक बॉन्ड जो है वो नहीं बन पाता है सहज पाता है कौन सी फिल्में थी सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुगले आजम उसके बाद हमने जो आ, बिग बी की फिल्म थी अमिताभ बच्चन की जो फिल्म थी उनमें शक्ति वन ऑफ दो फिल्म जो की मतलब जिसमें इतना रिफ्ट था फादर सन बॉन्ड में और भी आगे चल के बहुत सारी थी अगर हम मतलब नाम लेने पे आए और सोचे बैठ के ध्यान से तो बहुत सारी मिल जाएंगी लाइन से फिल्में ही आती थी सेवेंटीज में बहुत सारी मूवीज आती थी जिसमें फादर से रिफ्ट होता था मेन कैरेक्टर का यहाँ पर रिफ्ट तो है लेकिन एक ऑब्सेशन भी है साथ में तो ये जो हम टेम्पलेट कहानी की बात करते हैं ये बिल्कुल बेसिक टेम्पलेट है लेकिन उसमें जो स्टोरी डाली गई है और उसका जो मतलब जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट की गई है डिफरेंस इसीलिए एनिमल को लोग इतना पसंद कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी एरेटेडनेस एंड वट एवर चलो सारी बातें हो गई कई बार मुझसे लोग बोलते हैं आप जो है एनालिसिस भी सारी जो है बाद में कर दिया पहले हमको कलेक्शन बता दो ठीक है होता है कभी कभी फ्लो के साथ हो जाता है बट लेट स्टार्ट द कलेक्शन सो आज डे नंबर फाइव जैसे मैंने कहा सुनामी कंटिन्यूज ऑलरेडी मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी हिंदी टू डी वर्जन ट्वेंटी रही आज आफ्टरनून थर्टी सेवन परसेंट की ऑक्यूपेंसी फैन ऑक्यूपेंसी इवनिंग्स में फोर्टी फाइव परसेंट की और मुझे लगता है मेरी प्रोडिक्शन है नाइट ऑक्यूपेंसी जो है कहीं ना कहीं पचपन परसेंट के आसपास तक जा सकती है कल से थोड़ी कम ऑफकोर्स कल थी सेवेंटी परसेंट की नाइट ऑक्यूपेंसी जो मैंने आज सुबह आपको बताई है एंड आफ्टर दैट आई वॉज लाइक स्क्रैचिंग माई हेड में सोच रही सेवेंटी परसेंट ऑन अ मंडे नाइट लेकिन ट्यूजडे नाइट के बारे में हम ये नहीं कह सकते बट हाँ एक होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग लेकर के चल रही है इसी के साथ अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में मुंबई में 35 परसेंट की ऑक्युपेंसी रही आज एनसीआर में फिफ्टी फाइव परसेंट की ऑक्युपेंसी रही बैगलोर ट्वेंटी फोर परसेंट हैदराबाद ट्वेंटी फोर परसेंट ये ऑक्युपेंस चल रही है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑक्युपेंसीज है Tuesday, weekdays, और इसी के साथ इस वक्त कह सकते हो आप आठ बजे के आसपास तक का जो कलेक्शन आ, आ रहा है आठ भी नहीं बजे अभी तो बजे मतलब साढ़े सात बजे के आसपास तक की जो कलेक्शन आ रही है ऑफ एनिमल डे नंबर फाइव इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स करोड़ अब मैं अगर थोड़ा सा और दस बारह मिनट आधे घंटे और रुक जाती हूं तब मैं बनाती तो ये नंबर जो है बढ़ चुका हंड्रेड परसेंट मुझे लगता है ये पहुंच चुका होता थर्टीज की रेंज में नहीं तो 28 करोड़ की रेंज में तो आई जाएगा ट तीन सौ करोड़ तो मतलब ये रहा आज और कल में कम्पलीट सा हो जाएगा कल तक हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट हो जाएगा एंड विद दैट जो हिंदी मतलब जैसे मैंने आपको जो बताया कि अभी तक जो हिंदी से नंबर आ रहे हैं और हिंदी लैंग्वेजेस से जो जिस तरीके की you know, वो आ रही है रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें मंडे को भी फोर्टी करोड़ का हिंदी से बिजनेस आया है कलेक्शन आया है और आज का ये देख करके लगता है कि अकेले हिंदी से ही आज के दिन भी कहीं ना कहीं थर्टी करोड़ टू थर्टी करोड़ तो हिंदी से आज आ जाएगा सो दैट मीन्स बहुत सारे बेंच मार्क्स और बहुत सारे रिकॉर्ड जो है ये क्रिएट हो रहे हैं एंड दिस दिस शोज की फिल्म ऑलरेडी एक ब्लॉक बस्टर के यू you नो know, श्रेणी में कैटेगरी में आ चुकी है तो ये है आज का हाल क्या लगता है आपको कि अभी कितने दिन तक ये जो होल्ड है ये लेकर के चलने वाली है और आपको भी क्या मेरी तरह अगले वीकेंड का इंतजार है एनिमल के लिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बाकी लाइक दिस वीडियो गिव इट थम्स अप डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल दिस वाज ऑल